बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। आई एम आसिफ सईद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर क्लास 9th। टुडे इज सैटरडे 11th ऑफ जुलाई 2020। बेटा आपको मालूम है कि हम अपना 6th यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 7 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 5-6 यूनिट जो हैं रिसेंटली ख़त्म किए, उससे पहले भी हम करते आ रहे हैं, लेकिन इनको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली किया हमने। उसमें फैक्टराइजेशन और तमाम अमल बारहा किया। फिर कल रिव्यू एक्सरसाइज थी लास्ट लेक्चर में हमारी 6 की। आज 7.1 है। इसमें हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हमने सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना है कि ये इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। अब देखें क्वेश्चन 1, उसका मैंने सेकंड पार्ट सेलेक्ट किया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें आपको सबसे पहले ये एक लीनियर इक्वेशन और दूसरी तीसरी, ये आपको पहले से इनका खासा व्यू है। सबसे पहले ये देखें कि ये जो आपके सामने इक्वेशन दी गई है इसको हमने सॉल्व किस अंदाज से करना है। बेटा ये सबसे पहले फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन की सूरत में। अब फ्रैक्शन की सूरत में जब भी इक्वेशन होती है तो बेटा हम उसका एलसीएम लेते हैं, आपको पता है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आ गया। अच्छा यहां तो 6 आया, अब 3 कितने का 6 होता है 2, तो 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाइड करना है, ये हमने कर दिया। 2 कितने का 6 होता है 3, 3 को हमने ये माइनस दरमियान में लग गया, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाइड कर दिया। ये 1 वैसे का वैसे ही आ गया, यहां इसके साथ -1, ये -1 है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए बेटा हमारे पास जो हमने अभी इसका अमल किया है, -2 3 6। अब देखें यहां पे माइनस का साइन आएगा, ये 2 3 6, 2x-6 -3x -±+6/6, ये -1 वैसे ही साथ आता जाएगा, 6 आ गया। अब देखें ये बेटा 6 6 से कैंसल, ये 3x माइनस का ये प्लस का, 3 में से 2 गया, प्लस x आ गया, -x क्योंकि बड़ी अमाउंट माइनस की है, और ये 6 मल्टीप्लाइड -1, तो ये आ गया माइनस का 6, ठीक है। अब ये देखें बेटा दोनों तरफ माइनस आ गया, -- से कैंसिल, 6 इसका आंसर आ गया। अब हम चेक करके भी देखते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपने चेक करना है वहां लिखा हुआ हो या ना हो, टेस्ट में हो, रिकॉर्ड में, आपके एग्जाम में कहीं भी, अगर 2 मार्क्स का हो फिर आपने चेक नहीं करना, लिखा हुआ नहीं होता वहां। चेक करने का तरीका ये होता है कि ये जो सॉल्यूशन सेट है निकला, ये बेटा जो सॉल्यूशन सेट है ये उस वक्त ट्रू होगा जब ये सेटिस्फाइड होगा इस इक्वेशन पे। हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी, उसमें हमने जहां जहां एक्स है वहां उसकी वैल्यू जो हमने निकाली है 6 फिट की,
यहाँ सिक्स आ गई, थ्री वैसे ही थ्री, माइनस ये सिक्स वैसे, माइनस टू बाई टू ये वाला अमाउंट इधर वैसे, सिक्स में से थ्री माइनस किया थ्री, सिक्स में से टू माइनस किया फोर, नीचे थ्री है नीचे टू है वैसे है। अब देखिए बेटा इन दोनों का एलसीएम सिक्स आ गया, थ्री कितने का सिक्स होता है टू का, तो थ्री टू का सिक्स, टू कितने का सिक्स होता है थ्री का, थ्री फोर का ट्वेल्व। अब देखें ये ट्वेल्व माइनस का प्लस का सिक्स, ट्वेल्व में से सिक्स गया वन, माइनस का आ जाएगा, ट्वेल्व में सिक्स गया माइनस का सिक्स, बाई सिक्स कट गया माइनस वन, दूसरी तरफ भी माइनस वन है, लिहाजा ये ट्रू है, जो सोल्यूशन सेट हमने निकाला है वो सेटिस्फाइड हो रहा। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में क्वेश्चन फर्स्ट के पहले पांच पार्ट है, तो आगे मैंने इसका फिफ्थ पार्ट आपके लिए सिलेक्ट किया है, वो मैंने सॉल्व कर दिया है, चेक नहीं किया, चेक आप खुद करेंगे और बाकी पार्ट्स होमवर्क। जरा आ जाएं देखें, ये आपके सामने अमाउंट है, ये दी गई। अब देखें सबसे पहले बेटा 5x अंदर 5 मल्टीप्लाइड हुआ, माइनस 5 थ्री जा 15, ये माइनस है माइनस, बाय 6 माइनस एक्स। अब ये फ्रैक्शन में जिसके नीचे कुछ ना हो वन होता है वो हम डाल सकते हैं, और ये माइनस एक्स बाय 9 उस तरफ इक्वल के माइनस का है, जब इक्वल से इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स बाय 9, और ये वन वैसे का वैसे ही रहा। अब ये सारी अमाउंट जो है ये बेटा आपके सामने फ्रैक्शन में, अब अगर जब फ्रैक्शन में प्लस और माइनस होता है मिड में, तो हम इसको बेटा एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम आ गया 18, सिक्स का वन का नाइन का, क्योंकि 18 पे तीनों 18, इनका किसी का भी टेबल हम पढ़े 18 पे ही आते हैं। ठीक है ना, एलसीएम आ गया, सिक्स कितने का 18 होता है थ्री का, तो थ्री से इस अमाउंट को मल्टीप्लाइड किया, और 1 18 जा 18 है इसको 18 से मल्टीप्लाइड किया, 9 2 जा 18 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया, ये 1 वैसे ही। अब इसको अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 3 जा 15, x 7 है, 3 5 जा 45, माइनस है बाहर प्लस है अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 18 एक्स प्लस 2 एक्स बाई 18 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखें x वाली अमाउंट 15x प्लस का 2x प्लस का 17x और ये माइनस का, देखिए माइनस 18x प्लस 17x प्लस माइनस माइनस 18 में से 7 गया 17 गया 1, बड़ी अमाउंट माइनस की, तो माइनस x बच गया, ये माइनस x बच गया, ये वाला माइनस x ये आ गया, माइनस 45 ये आ गया, 18 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाइड हुआ ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाला स्टेप आपका बन गया। अब देखें माइनस 45 इधर माइनस का है, इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स वैसे ही रहेगा माइनस का, इन दोनों को प्लस किया ये 63 आ गया। अब ये जो होता है ना यहाँ पे कोफिशेंट होता है 1, इसका मतलब यहाँ माइनस वन है, तो माइनस वन उधर जाके इधर मल्टीप्लाइड उधर जाके डिवाइड हुआ तो माइनस 63 हो गया, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया माइनस 63। अब आपने चेक इसका खुद करना, आज के हमारे लेक्चर में फर्स्ट 5 पार्ट थे, पहले फर्स्ट 5 पार्ट थे उसमें से हमने सेकेंड और फिफ्थ वाला कर लिया, बाकी ये देखिए ये तीन होमवर्क में, ये आपकी डायरी है तीनों होमवर्क में, और फिफ्थ का चेक बेटा आपने खुद करना, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट्स हैं वो करेंगे, तो बेटा अब फिर वही बात है,
कि अब गवर्नमेंट ने 15 सितंबर से अनाउंसमेंट कर दी है स्कूल ओपन होने की, तो लिहाजा जब तक हमारा 70-80% सिलेबस ख़त्म हो जाना है, तो आप काइंडली अब किताब को हाथ लगाएं, उठाएं, पढ़ना शुरू करें, काम करें, ताकि अगले 2 महीने में आपका कवर हो और जब आप स्कूल आएँ तो फिर आप हमारे साथ साथ चल सकें। थैंक यू।